आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर आगरा में उत्साह देखने को बन रहा है। शहर भर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में शहर के तमाम पत्रकारों द्वारा तिरंगा रैली निकाली गई, जहां लोगों को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरूक किया गया। तिरंगा यात्रा सांकेतिक है, जो तिरंगा यात्रा है इसको सिर्फ इसलिए रखा गया है कि आज से 75 साल पहले जो हमें आज़ादी मिली थी उस आज़ादी का स्मरण किया जाए। वो आसान नहीं थी, वो बहुत परिश्रम के बाद मिली थी। 90 साल का एक पहला परिश्रम है, उससे पहले 50 साल का परिश्रम है। अनगिनत लोग हैं, अनगिनत शख्सियत हैं, महान लोग हैं जिन्होंने इस आज़ादी के अंदर अपना तरह तरह से योगदान दिया है। और आज की तारीख में आज़ादी के मायने ये हैं कि हम आज़ाद हैं। उत्सव में हर कोई बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, हर वर्ग हो चाहे सरकारी विभाग हो। घर घर तिरंगा अभियान जो है वो आज जन आंदोलन बन चुका है। और इसी कड़ी में आगरा के तमाम पत्रकार साथी, चाहे वो डिजिटल से जुड़े हो, प्रिंट से जुड़े हो, फोटो से जुड़े हो, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सबसे पहले हमने दीवानी स्थित सरस्वती माता की प्रतिमा पर यहाँ पर माल्यार्पण किया, और अब एक यात्रा जो है वो हम निकालने जा रहे हैं, तिरंगा यात्रा। और इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश जरूर देने की कोशिश कर रहे हैं हर इंसान को कि बढ़ चढ़ कर ऐसा है, एक हवन है, उसमें आहुति जरूर करें। देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज सभी पत्रकार एकत्रित होकर आगरा में भारत माता की मूर्ति पर पहले माल्यार्पण किया, और उसके बाद पैदल यहाँ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और समापन इसका शहीद स्मारक पर होगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, तो सभी लोग अपने घर पर एक तिरंगा जरूर फहराएं और इस आज़ादी के महोत्सव में सहभागिता जरूर करें।